करण वो दूसरी लड़की के पीछे मत पड़ो, उनके पास पति है, उनको पति की वैल्यू नहीं है। तो निशा करण एक दूसरे को माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है, पहली बीवी के नहीं हो सके तो तुम सेकंड के भी नहीं हो सके। निशा करण का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ मैम। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ निशा करण एक दूसरे को माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है, जहाँ किचन होता है वहाँ पे बर्तन तो यू नो खड़कते ही है, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़े तो होते ही है, दोनों के एक दूसरे के ईगो को नीचे करो और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, फिर से एक हो जाओ। करण को एक सलाह देना चाहूँगी, तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत, हीरोइन से भी अच्छी दिखती है तुम्हारी बीवी, मैं निशा को जानती हूँ, इतनी सॉफ्ट स्पोकन, इतना अच्छा लैला मजनू वाला कपल है, और आप लोग फिर से एक हो जाओ। अगर तुम पहली बीवी के नहीं हो सके तो तुम सेकंड के भी नहीं हो सके, अगर तुम पहले हस्बैंड के नहीं हो तो सेकंड के भी नहीं हो सके, तो आपस में मांडावली कर लो, एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, यू नो, और एक हो जाओ यार। लफड़े झगड़े तो होते रहते हैं, उसमें क्या है, मारना पीटना तो होते रहता है, हस्बैंड वाइफ में तो होता ही है। तुमने अपने बीवी को मारा कभी? तुमने मारा अपने बीवी को कभी? तुम लोग अपने गर्लफ्रेंडों को मारा है क्या? छोटू लाना थे तेरे पे, छोटू गर्लफ्रेंड भी नहीं है तेरी, है ना? तो जसलीन के साथ तो आज वीडियो बना रहा था, मैंने देखा तो। हाँ बढ़िया ज़्यादा कुछ चीज़ बढ़िया नहीं नहीं ऐसे, ये तो सब थोड़ी सी मजाक की बात है, बट हस्बैंड क्या हुआ, कौन है ये, जानबूझ क्या है? जानबूझ के नहीं आया किसी, हाँ ये सब जानबूझ क्या है? वैसे 4 घंटे से अंदर बैठे थे। निशा एंड करण एक हो जाओ, हर इंसान में लफड़े झगड़े होते रहते, मियाँ बीवी में होते ही है, सो एक मेरा सजेशन है, एक हो जाओ, अलग मत हो। और करण वो दूसरी लड़की के पीछे मत पड़ो, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना सोने जैसा घर है, मैं आई हूँ तुम लोग के साथ, तुम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हो गया हो गया। यहाँ पर लोग घर में दोस्त बाहर आते हैं दो दोस्त को अलग करने के लिए, मैं आप लोग को कहती हूँ एक शादी एक विवाह एक प्यार और एक पति और एक ही पत्नी, प्लीज़ आप लोग एक हो जाओ। तुम अलग होंगे तो सबसे ज़्यादा दुखी ईश्वर होता है, आज के ज़माने के हिसाब से, मैं आज के ज़माने की हूँ बट आज के ज़माने के हिसाब से मैं चलती नहीं हूँ, ये पीछे मेरे को कॉफ़ी तो नहीं डाल देगी। तो अगर इन फ्यूचर अगर मेरा भगवान अगर मेरा मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो, अगर होता भी है तो मैं तो तुरंत पैचअप कर लूँगी, क्योंकि ईगो सबसे नीचे रखना है, शादी का मतलब होता है ईगो को मार देना, ईगो घमंड ये हस्बैंड वाइफ में नहीं चलता, सेल्फ रिस्पेक्ट है लेकिन ईगो ये सारी चीज़ें हस्बैंड वाइफ में नहीं चलता। अगर शादी को लॉन्ग टर्म्स, पुराने ज़माने में देखो, आज आप लोग के माँ बाप भी देखो कितना एंड तक साथ में रहते हैं, यू नो, तो प्लीज़ आप लोग मेरी तरफ से मैसेज दे दो उनको, कोई पैचअप कर ले, मैं पैचअप कराना चाहती हूँ उनका, हस्बैंड वाइफ में तो झगड़े होते हैं यार, सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते हैं। कौन सा हीरो हीरोइन में नहीं झगड़ा होगा हुआ होगा, कौन से बड़े हीरोइन अपनी बीवी को नहीं पीटा होगा, या अपनी बीवी ने अपने बड़े हीरो के साथ नहीं यू नो झगड़ा किया होगा, लेकिन बाद में तो ईश्वर कहता है कि रात होने से पहले हस्बैंड वाइफ एक हो जाए, लेकिन वरना शैतान फ़ायदा उठा लेता है, शैतान हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में फ़ायदा उठाता है, तो शैतान शैतान को फ़ायदा उठाने ना दो। मैं एक एक शब्द बहुत सही बोल रही हूँ, मेरे लिए दुआ करो कि मेरा हस्बैंड भी आ जाए एक दिन। अमेरिका में है ना वो? कनाडा में, कनाडा अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। जिसके पास पति है उनको पति की वैल्यू नहीं है, मेरे पास पति नहीं है, मेरे पास कितना वैल्यू है पति की बताओ, आपकी बात होती है फोन पे? हाँ होती है, क्यों बताऊँ तुझे, हाँ फोन पे तो बात होती है, वीडियो कॉल पे भी बात होती है।